भाई ये जो मेरे हाथ में फोन है ना, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का तगड़ा वाला प्रोसेसर जो एंटीडो बेंचमार्क पर 2 मिलियन प्लस का स्कोर टच करवा देता है। और ये जो प्रोसेसर है ना, इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी फोन के अंदर देखने मिल रहा है। और एक एडिशनल चिप और आती है, मतलब दो प्रोसेसर, सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1। डिस्प्ले आती है ना भाई, वो है 3000 निट्स के साथ में। और इवन जो कैमराज है ना, एकदम प्रीमियम कैटेगरी को एकदम मस्त तरीके से फॉलो कर जाते हैं। ये है IQ12 के अंदर, और ये पूरा माल मसाला आपको मिल जाएगा अंडर 50,000। मतलब स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ऊपर से मस्त तगड़े कैमरास और बाकी सब कुछ भी एकदम प्रीमियम, और वो भी अंडर 50,000 में। तो रही बात अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेकर, तो वो भी एकदम मस्त तरीके से आती है। ट्रांसपेरेंट केस कवर मिल जाएगा, उसके बाद में आपका डिवाइस है, और 120 वाट का तगड़ा सा चार्जर और उसकी चार्जिंग केबल। और देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज है भाई, 500 कमेंट्स को मस्त में हार्ट दूंगा। जो फर्स्ट डे में जितने भी कमेंट आएंगे सबको हार्ट दूंगा। एक्चुअली ये फोन अभी तक मेरे पास है ना 10 डेज हो चुके हैं इसको यूज करते करते, और कहां पर क्या सारी चीजें थी वो भी हम लोग एकदम क्विक रिव्यू के हिसाब से शेयर करेंगे। आगे कुछ दिनों के बाद में एक 30 डेज का या 20 डेज का एक कंप्लीट रिव्यू और लेकर आऊंगा। मेरे पास जो वेरिएंट है ना 12GB 256 के साथ में, और इसका एक और हायर वेरिएंट भी देखने मिलेगा। और इवन इसमें ना आपको दो कलर देखने मिलेंगे, जो यहाँ पर मेरे पास है लेजेंड कलर है, और एक आएगा अल्फा कलर जो बेसिकली थोड़ा सा ब्लैक में मिलेगा। और उस पर है ना आपको AG ग्लास बैक मिलेगा, और जो वेरिएंट मेरे हाथ में इसका बैक है इनामल ग्लास बैक मिलता है। और इवन यहाँ पर ये थोड़ा सा स्पेशल एडिशन है, क्योंकि ये है BMW मोटर स्पोर्ट्स स्ट्रिप्स डिजाइन के साथ में। और इवन अगर इस फोन का फर्स्ट इन हैंड फीलिंग देखोगे ना, तो मुझे तो बहुत ज्यादा एकदम मस्त देखने मिल रहा है। मतलब लुक भी एकदम फ्रेश देखने मिल रहा है। कैमरा मॉड्यूल के आसपास में एक छोटे छोटे टेक्सचर्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम कैटेगरी पे लेके जाते हैं। और इवन जो बैक पैनल है ना, ये भी आपको स्कॉट सेंसेशन अपग्रेडेड के साथ में प्रोटेक्शन के साथ में बेसिकली देखने मिलता है। साइड के पूरे जो फ्रेम है ना, ये एकदम शाइनी एल्यूमिनियम बैटल ब्लैक के साथ में देखने मिलता है। और फोन की जो स्लिमनेस है ना, वो भी एकदम मेरे हिसाब से सही निकल कर आती है। कोई मोटा वोटा फोन नहीं, एकदम प्रीमियम साइड में कह सकता हूँ। और इवन इसका जो वेट है ना, वो भी कोई हैवियर साइड में नहीं है। IQ12 पर जो बैटरी है ना 5000 mAh के साथ में, और जो चार्जर बॉक्स में 120 वॉट का है। चार्जिंग स्पीड भाई नेक्स्ट लेवल, 30 मिनट के अंदर 100% पूरा फोन चार्ज हो जाता है। बाकी इस पर जो हमको एक मेन तो प्रोसेसर मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, उसका कैसा परफॉर्मेंस है वो आपको थोड़े देर आगे मैं समझा देता हूं। और सुपर कंप्यूटिंग चिप Q1 के साथ में ना देखो बेनिफिट क्या है। सबसे पहले अगर आप YouTube, Netflix, Amazon Prime यूज करते हो ना, वहां पर आपको MEMC का सपोर्ट मिल जाता है। एग्जाम्पल 30 FPS का कोई कॉन्टेंट है जो आप वॉच कर रहे हो इन तीन एप्लीकेशन पर, तो वहां पर आप है ना MEMC के थ्रू वहां पर वो 30 FPS का कॉन्टेंट एकदम सुपर स्मूथ कह सकते हो 60 FPS में कन्वर्ट होता हुआ देख पाओगे। और साथ में गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड मिलता है इसकी वजह से भी, जहां पर आप है ना अपना नॉर्मल गेम जो 90 FPS पर भी है, फिर 60 पर है, उसको आप 144 FPS पे चला पाओगे। और ये ना BGMI और जेंशन इफेक्ट पर अभी अवेलेबल हो रखा है, और मैंने ट्रायआउट भी करके रखा है। आगे आपको दिखाता हूं कैसे ये वर्क करता है। और इवन यहाँ पर आपको नॉर्मली जो 90 FPS की गेमिंग करने मिल जाएगी, BGMI पर है या फिर COD मोबाइल हो गई। और इवन अगर अपना PUBG न्यू स्टेट, वहां पर भी इसका बेनिफिट निकल कर आता है। अभी देखो ये जो फोन है ना IQ12 मतलब 8 Gen 3 के साथ में आता है, एंटीडो बेंचमार्क निकाला मैंने। और मेरे पास कुछ और दो फोन भी थे जिसमें सेम 8 Gen 3 वाले प्रोसेसर निकल कर आ रहे थे। तो यहाँ पर है ना इसके अंदर सबसे ज्यादा एंटीडो बेंचमार्क का स्कोर देखने मिला भाई, मतलब लिटरली 2 मिलियन का स्कोर तो ऐसे ही आराम से इसने टच करवा दिया। फिर उसके बाद में स्टोरेज आती है UFS 4.0 की स्टोरेज है, इसकी रीड एंड राइट स्पीड है ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव निकल कर आती है। फिर उसके बाद में Geekbench 6 का स्कोर निकाला, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको सिंगल कोर मल्टी कोर, और जब इस पे CPU थ्रॉटल स्कोर निकाल के देखा ना, तो CPU थ्रॉटल यहाँ पर काफी अच्छे नंबर के साथ में मिल रहा था। तो और मैंने ना क्या किया था साइड बाय साइड एक बैटरी का आइडिया लेने के लिए कि इसकी 5000 mAh बैटरी कितनी ज्यादा है। तो Xiaomi 14 Pro और Realme GT 5, वैसे ये दो फोन इंडिया के अंदर अभी तक लॉन्च नहीं हुए, तो मैंने उनके साथ ना बैटरी कंपैरिजन करके देखा था। तो यहाँ पर ये है ना सारे टास्क हम लोगों ने रन करे, जैसे कि YouTube का 10 मिनट का प्लेबैक हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई 10 मिनट्स की, ये सारा डेटा टेस्टिंग निकालने के बाद में इस पे जो बैटरी निकल कर आई ना, मतलब वो 100% से 82% पर आ गई। पर वहीं Xiaomi पर वो बैटरी आई 78% पर, और वहीं Realme पर वो बैटरी आई 77% पर। और एक बात बताता हूं आपको, देखो 8 Gen 3 जो प्रोसेसर है, मैंने इकलौता ये फोन नहीं है, मैंने और भी दो फोन यूज करे। अभी एक चीज आपको मैं दिखाऊंगा, Xiaomi 14 Pro के अंदर जब मैंने एंटीडो बेंचमार्क निकाला था, और Xiaomi 14 के अंदर भी जब एंटीडो बेंचमार्क निकाला था, तब है ना भाई फोन ऑलमोस्ट 55 डिग्री तक को टच हुआ था Xiaomi 14 के अंदर। बट इसने पहली बार टेस्टिंग निकालने के बाद में IQ12 ने सबसे पहले 40 डिग्री टेम्परेचर टच किया भाई, और मैं शॉक था। फिर मैंने एक बार और कंटिन्यूस निकाला, उसके बाद में 45 डिग्री को टच किया, जो कि मैक्सिमम था, और इवन एंटीडो बेंचमार्क भी हमको ज्यादा देखने मिले। और इसमें हीटिंग कम क्यों हो रही है, उसका रीजन है यहाँ पर हमको मिलता है 6K वेपर चेंबर 4 जोन कूलिंग सिस्टम मिलता है। बेसिकली इस बार क्या हुआ है कि अभी तक का सबसे लार्जेस्ट IQ की हिस्ट्री में 40% एरिया इंक्रीज किया है VC चेंबर का, जो आप है ना IQ 11 से भी कंपेयर कर सकते हो, इससे भी ज्यादा बेसिकली आपको मिलता है। और उसी की वजह से ना
ना जो फोन के अंदर हीटिंग्स है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल हुई है, जो Xiaomi 14 और 14 Pro और इवन Realme नहीं कर पाए। तो मैंने इसको Xiaomi 14 Pro से जब कंपेयर करके देखा था ना, तीनों जब मैंने वीडियो रेंडरिंग करी थी इसमें नॉर्मल क्या क्या स्लो मोशन कर दिया, कलर ग्रेड कर दिया, कुछ और एड ऑन कर दिया सभी तीनों फाइल्स के अंदर, और जब मैंने रेंडर निकाला ना तो इसने सबसे पहले रेंडर किया 2 मिनट 32 सेकंड्स के अंदर। और देखो अगर आप इस फोन iQOO 12 का कंपैरिजन किस फोन के साथ देखना चाहते हो मुझे ना कमेंट बता देना, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ iQOO 12 का कंपैरिजन किस फोन के साथ बनाऊ, मुझे खुद ही नहीं समझ रहा क्योंकि अभी तक ज्यादा फोन लॉन्च ही नहीं हुए ना 8 Gen 3 के साथ में इसके लिए। तो अगर आप चाहते हो कोई और फोन है जो इसके साथ कंपटीशन होना चीज का, तो कमेंट करके उस फोन का नाम जरूर लिख लेना, और साथ में इसका गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हो तो इसका वीडियो का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, चेक कर लेना, और साथ में एक मस्त में इस वीडियो पे एक टारगेट रहेगा कंप्लीट कर देना ताकि आप लोगों के लिए मैं कंपैरिजन बाकी अदर वीडियो बना दूं। तो बस यहां पर वीडियो पे 8000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट करवा देना, अपनी भाई की थोड़ी सी इज्जत रख लेना, बस कर दोगे ना। BGMI पर 90 FPS बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम अनलॉक करके देता है, और मैंने भी भाई 60 में टेस्ट नहीं किया, मैंने इसको 90 में ही टेस्ट करके देखा है, और 90 के FPS इतना बोलूंगा 85 के अबव इवन 85 एवरेज FPS ये मेंटेन करता है, एक घंटे की गेमिंग तक यहाँ पर ये 85 से 80 तक कंट्रोल कर लेता है, और इवन डेढ़ घंटे की भी गेमिंग मैंने करके देखी वहां पर ये 80 से 85 के FPS को ना एवरेज अच्छी तरीके से इवन ज्यादा कभी कभी तो मतलब स्टेबल करके रखता है। और ये मैंने ना नॉर्मल टेम्परेचर एनवायरनमेंट में नहीं करा है, मैंने थोड़ा सा हैवी मतलब कभी हम लोग बाहर बैठे मतलब घर धूप वगैरह हो रही है बाहर कभी पंखा चल रहा है उस एनवायरनमेंट में, एसी एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हैवी एनवायरनमेंट में भी यहां पर ये प्रॉपरली 85 के एवरेज FPS मेंटेन करता है iQOO 12 BGMI भी 90 FPS की गेमिंग को लेकर। गेमिंग के लिए तो फोन एकदम सुपर आ रहा है, और मैंने ये जो टेस्टिंग भी करी है ना वहां पर मैंने जो मोड लगा के रखा था जो गेम मोड के अंदर जो मॉन्स्टर मोड होता है उसको ऑन करने के बाद में सारी टेस्टिंग करी है, उसके बाद में मुझे इतने स्टेबल और तगड़े FPS मिल रहे हैं। बट भाई वेट करो, यहां पर इनका जो ऑप्शन है ना गेमिंग मोड है ना वहां पर जाओगे तो गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड मिल जाता है, उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो वहां पर वो 144 FPS की गेमिंग आपको ऑन स्क्रीन मस्त में करवा के देता है। अभी अगर आप ये स्क्रीन में देखोगे ना तो आपको ये पता नहीं चलेगा, जब लाइव एक्सपीरियंस करोगे ना 144 हर्ट्ज को वो लिटरली बहुत ज्यादा सुपर स्मूथ लगेंगे। 90 से आप सीधा सोचो ना 144 हर्ट्ज, 90 ऑलरेडी इतना स्मूथ लगता है, तो 144 हर्ट्ज की जो मोशन ब्लर हो गई थोड़ी सी इवन मतलब गेमिंग में स्लाइड करके जब जाते हैं ना BGMI पर तो वो और थोड़ा सा ज्यादा सुपर स्नैपी लगता है। अभी एक चीज यहां पर बस नोटिस करने वाली बात है कि जब आप गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड ऑन करते हो ना 90 FPS पे आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर मैंने जब कंपेयर किया था ना ये ऑन स्क्रीन को रिफ्रेश रेट को ना मेंटेन करता है, कैसे करता है देखो यहाँ पर 100 पेजेस की एक नोटबुक है उसको मैंने एक सेकंड के लिए ऐसे बोलते ना हम लोग एक सेकंड के लिए मैं उसको ऐसा खोलूंगा तो पन्ने कैसे एकदम फास्ट फास्ट मोशन में जाएंगे, लेकिन अभी वही 100 पेजेस की बुक को मैं 50 पेजेस की कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो वहां पर जब मैं उसको स्लाइड करूंगा ना तो अब वो आपको मोशन थोड़ा सा स्लो लगेगा इवन जिटरी भी लगेगा। आप समझ लो 50 फ्रेम्स के बीच में ना एक एग्जांपल आपको हर एक फ्रेम एक 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 डाल के दिया जा रहा है, इस तरीके से गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड काम कर रहा है। जब आप 90 FPS पे रहते हो ना तो वहां पर आप स्क्रीन पे देखोगे ना गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड ऑन करने के बाद में FPS कांस्टेंट 71.7 समथिंग कुछ हो जाता है, कांस्टेंट रहता है वो, हिलता नहीं है ना पीछे जाता है। अब लेकिन आप जब स्क्रीन की रिफ्रेश रेट देखोगे ना वो 144 हर्ट्ज पर कन्वर्ट हो चुकी है, जो बेसिकली गेम फ्रेम इंटरपोलेशन मोड पे काम करता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से यहां पर आपको स्क्रीन पर जो गेम है ना वो 144 हर्ट्ज नहीं दे रहा है, ये जो चिप है इसके अंदर सुपर क्वांटम Q1 चिप है जो उसकी वजह से आपको 144 हर्ट्ज स्क्रीन पर पूरा जो एकदम सुपर स्नैपी वाला पार्ट हो गया जो डिस्प्ले भी दिखने वाला पार्ट हो गया वो प्रॉपर तरीके से फील होता है। बाकी 5G फोन है और यहाँ पर 12 5G बैंड्स है, वाईफाई भी लेटेस्ट एकदम मस्त में, सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आता है यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये रहा, तो वहां पर एकदम प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव तरीके से अनलॉक भी कर देता है। अभी जो डिस्प्ले की बात करोगे तो यहाँ पर भी एक प्लस पॉइंट है क्योंकि 6.78 इंचेस का एमोलेड है 144 हर्ट्ज वाला, और जैसे मैंने बताया ये LTPO डिस्प्ले है, अभी इसकी वजह से ना ये 1 हर्ट्ज पर पूरा शिफ्ट कर देता है इफ जब कभी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसकी वजह से बैटरी एफिशिएंट वाला पार्ट पहले निकल कर आ जाता है। और यहाँ पर ये जो फंटच ओएस 14 इसके अंदर आता है तो यहाँ पर है ना कुछ नए एडॉन्स हुए हैं जिसकी वजह से ना इस पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते हो ना ये रखा है मैंने, तो ये 1 हर्ट्ज पर पूरा शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से बैटरी जो है ना रात को हम लोग फोन रख देते हैं तो वहां पर पूरा एफिशिएंट रहता है। बाकी इस पे कलर या कंटेंट अगर बात करूं ना तो जो भी देखो आप यूट्यूब नेटफ्लिक्स कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन पर कंटेंट खोलोगे भाई एकदम मस्त तरीके से दिखता है, मस्त तरीके से आप अपना कंटेंट एंजॉय कर सकते हो, कलर्स वगैरह बहुत लोगों को पसंद आने वाले हैं और अच्छा लगेगा। और छोटा सा मैं कहूंगा पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर ये अवेलेबल है, कंटेंट देखने के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। और एक बात बोलूं इस पर कंटेंट देखने में मजा क्यों आता है, इसका जो ये साइड के बॉक्सी और कह सकते हो मतलब ये शाइनी टाइप का है ना तो जब हाथों में फोन पकड़ते हो ना तो एक अच्छी मतलब बोलते ना ग्रिपिंग फील होती है और प्रीमियमनेस वाली बातचीत जो लगती है ना वो पूरी फील हो जाती है यहाँ पर। बाकी इसके अंदर डुअल स्टीरियो स्पीकर आता है और ना इसमें आपको एक मस्त दुख भरा गाना सुनाता हूँ, बहुत दुख है उस गाने के अंदर। Daddy bought the donkey,
तो भाई स्पीकर अच्छा है और इवन स्टीरियो सेपरेशन भी एकदम मस्त ड्यूअल सेटअप के साथ में आता है। ऊपर से भी इवन बॉटम से भी सेम लेवल तक का ब्लास्टर स्पीकर बेसिकली मिल जाता है। अभी देखो इसके अंदर है ना फनटच ओएस 14 आता है जो फर्स्ट टाइम आउट ऑफ द बॉक्स किसी फोन के अंदर निकल कर आया है और वो आईक्यू 12 है। और इवन ये एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो पहला फोन होगा जो विदाउट मतलब जो पिक्सल्स के फोन होते हैं ना उनके अंदर ऐसे लेटेस्ट एंड्रॉइड वगैरह मिल जाते हैं। और ये पहला ऐसा फोन है नॉन पिक्सल कह लो बेसिकली जो एंड्रॉइड 14 के साथ में लेटेस्ट बेसिकली मिल जाता है। बाकी इस पर 300 के एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 इयर्स की सिक्योरिटी पैचेस है। एंड्रॉइड तो इसका मतलब एक्सपीरियंस इतना है कि अभी फनटच ओएस 14 का एक्सपीरियंस तो मैंने थोड़े दिन पहले ही कहना वीडियो बना के शेयर कर दिया आप लोगों को, लाइक इसके अंदर क्या क्या तगड़े फीचर्स आते हैं वो सब आप उस वीडियो में भी जाकर डिटेल में चेक कर सकते हो। और वैसे थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया उस पर, दिल से थैंक यू सो मच। वैसे स्प्लिट स्क्रीन हो गया और एक काइनेटिक वॉलपेपर आता है जो आपके ना स्टेप्स काउंट के थ्रू है ना पता करता है, जैसे कि यहाँ पर ये पता करोगे तो जैसे जैसे आप चलोगे ना आपके स्टेप्स काउंट ऐसे माउंटेन के एकदम क्लोज जाते रहेंगे। और इवन एकदम प्रॉपर क्लीन एक्सपीरियंस अभी हो चुका है क्योंकि जो हॉट एप्स हो गई और जो हॉट गेम्स हो गई वो अभी यहाँ पर नहीं मिलती पहले से, और एकदम पूरा क्लीन यूआई एक्सपीरियंस बेसिकली मिल जाता है। और इवन जो पहले से प्री लोडेड एप्लीकेशन आती है ना वहां पर आप उसको मस्त में अनइंस्टॉल वगैरह भी कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आया था उस वीडियो में कि ये जो वी एप स्टोर है ना ये अनइंस्टॉल नहीं हो पाती, तो यस तो देखो हर एक ब्रांड है ना एक अपनी एप्लीकेशन जरूर देता है और यहाँ पर वी एप स्टोर तो मेरे हिसाब से है। हाँ इसमें ना एक चीज कर देना जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है ना इसको बंद कर देना, मैंने खुद बंद करके इसको यूज कर रहा हूँ तो जिसकी वजह से इसकी तरफ से कोई ना नोटिफिकेशन आते नहीं और फिर बाद में कोई तकलीफ भी नहीं होती, पड़ा रहता है बेचारा कोई यूज ही नहीं करते हम लोग। बाकी इस पर जो हैप्टिक्स है ना टाइपिंग का एकदम प्रीमियम निकल कर आता है और इवन अलग अलग जगह पर ना हैप्टिक्स अच्छी तरीके से फील होती रहती है। और इस पर हमको जो फनटच ओएस 14 की वजह से जो वॉलपेपर पर है ना आपको ना 10 फॉन्ट्स मिल जाते हैं जहां पर आप अलग अलग तरीके से क्लॉक एंड टाइमिंग को चेंजेस वगैरह कर सकते हो, मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हो। अभी देखो इसमें जो कैमरा सेटअप है ना भाई वो थोड़े से मस्त लेवल निकल कर आते हैं क्योंकि 50 मेगापिक्सल का मेन ओएस कैमरा तो है जो है ना आपको लार्जेस्ट सेंसर मिल जाता है इस कैटेगरी के अंदर, इस बेसिकली सेगमेंट के अंदर। फिर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 64 MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है और जो आप है ना मस्त में 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, इवन 10x तक भी लेके जा सकते हो और 100x का डिजिटल जूम कर पाओगे। सबसे पहले इसमें ना यूआई में एक चीज मुझे बहुत पसंद आई थी कि जब आप इसके पोर्ट्रेट या फिर नॉर्मल मोड से फोटो खींचने की कोशिश करते हो किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की तो वहां पर आपको ये सजेशन देता है कि आप थोड़ा सा फ्रेम में ला सकते हो उस सब्जेक्ट को, या फिर आप बाहर हो तो थोड़ा सा नीचे लेकर आओ तो इस तरीके से सजेस्ट करता है। या फिर आप कैमरा मतलब यूज कर रहे हो सडनली आपने टेबल पे फोन रख दिया 10-15 मिनट हो गया कभी थोड़ी देर बाद देखोगे तो वो ऐप है ना लॉक हो जाती है जिसकी वजह से थोड़ा सा बैटरी एफिशिएंट वाला काम हो जाता है जो पहले ये चीज नहीं थी जो मेरे हिसाब से अभी मैंने नोटिस करी है इस फोन के अंदर। तो IQ 12 में एक चीज तो मैं इतना बोलूंगा किसी भी कैमरा सेटअप से आप फोटो खींचते हो ना तो भाई सभी जगह पर मुझे एक्सपीरियंस एकदम सही लगा है। इवन यहां पर आप मेन कैमरा की जो डे लाइट की फोटोज हो गई लो लाइट की भी बात करें दोनों सेगमेंट पर ये अच्छी तरीके से फोटोज वगैरह निकाल के दे देता है। अल्ट्रा वाइड का भी सेटअप काफी अच्छी तरीके से कलर्स वगैरह इवन HDR वगैरह अच्छे से प्रोड्यूस कर देता है। और जब टेलीफोटो की पोर्ट्रेट की बात आती है इवन पोर्ट्रेट कैमरास की बात आती है तो वहां पर भी जो ब्लर हो गया वो और जो इवन थोड़े से एक्स्ट्रा फिल्टर्स वगैरह जो आते हैं ना आईक्यू के अंदर वो भी आपको थोड़े से प्लस पॉइंट लगेंगे। मतलब बेसिकली मेरा इतना है कि डे और लो लाइट कहीं भी आप फोटो कैमरा यूज कर रहे हो आपको प्रीमियम एकदम बातचीत महसूस होगी। इवन आपको 1x 2x 3x तक का भी डिजिटल जूम मस्त तरीके से यूज कर सकते हो और इवन 10x तक की भी फोटो क्वालिटी एकदम मस्त लेवल तक निकाल के दे देता है। मतलब जूम वगैरह की जो फोटो होती है दूर लेवल तक की फोटो होती है वो आप अच्छे से खींच पाओगे। और मैंने इसके अंदर ट्राइआउट करके देखा है, इवन चंदा मामा की भी फोटो ट्राइआउट करी है जो बेसिकली एकदम मस्त डिटेल निकाल के देता है। और इवन सेल्फी की भी जो आउटपुट है ना डे लाइट के अंदर लो लाइट के अंदर अगेंस्ट द लाइट हो गई वो ऑलमोस्ट हर एक सिनेरियो को अच्छी तरीके से किल कर जाता है। और जब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है तो आप 8K 30 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो, 4K 60 FPS तक भी वीडियो शूट कर पाओगे ऑफ कोर्स आप इतना 8K अगर लेके जाते हो तो। लेकिन जब फ्रंट फेसिंग की बात आती है तो वहां पर पता नहीं क्यों 1080p 30 FPS पर ही कैप कर दिया है, 60 भी लेके नहीं गए। और क्वालिटी वगैरह भाई तीनों आप लोगों ने देखी मेरे हिसाब से सही तरीके से काम कर जाता है एक बार के लिए। बस मेरा ना एक रिक्वेस्ट रहेगा आईक्यू से भी कि जब वीडियो मोड के अंदर अगर वो हो सके, मतलब मेरा फीडबैक है कि जब मेन कैमरा से हम वीडियो निकालते हैं जैसे कि 1x 2x 3x मिलता है तो जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हमको सिर्फ वो स्लाइडर वाला मिलता है, मतलब स्लाइड करके ऐसे जूम कर सकते हैं जो इस तरीके से जूम होता है। तो अगर ये 1x 2x ऐसा मोड हमको रिकॉर्डिंग के टाइम पे स्विच करने का कुछ ऑप्शन दे दे, मतलब आईक्यू कर दे तो भाई मजा आ जाए सीरियसली, मतलब हर चीज में प्लस करके बैठा है तो यहां पर भी कर देगा तो बहुत मस्त लगेगा। तो बाकी यार
फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत सारी बातें बताई है मैंने, मैं कहूंगा सिंपल तरीके से, और ओवरऑल इतना है कि ये फोन मतलब बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है अंडर 50K में, जैसे कि मुझे पता है जहां तक लॉन्च होने वाला है। बहुत ही अच्छी एग्रेसिव प्राइसिंग रखी है, दूसरे ब्रांड को मेरे हिसाब से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आज के टाइम पे 8 जेन 2 वाले फोन से जो आपको 50,000 के अंदर मिल रहे हैं, और वहीं 8 जेन 3 का फोन आपको मस्त में अंडर 50K मिल रहा है। इवन अंडर 60K में कोई फोन बाय करना है परफॉर्मेंस के हिसाब से, कैमरास के हिसाब से, दोनों वैल्यू को अच्छी तरीके से ये रखता है। इवन प्रीमियम भी देखोगे यार आराम से सब कुछ अच्छे फॉलो कर ही लेता है। तो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन से थोड़ा सा ज्यादा रिव्यू, बाकी क्विक रिव्यू से ज्यादा फुल डिटेल रिव्यू बहुत जल्दी भी आएगा, जहां पर आपको और बातें ऐसे अनलॉक करके दूंगा जो आपने सोची नहीं होगी एक तरीके से। बाकी देखो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।